हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुष्मिता पाठक। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज का जो व्लॉग है वो स्पेसिफिकली एक मूवी को डेडिकेटेड है, वो है पठान। सो बहुत टाइम से मैं सुन रही थी बायकॉट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतनी सारी बातें मैं सुन चुकी हूँ। सो कल हम इस मूवी को एक्चुअली देखने गए थे, बट आई डोंट नो व्हाई उस मूवी में ऐसा क्या हो गया है कि पूरे टाइम वो हाउसफुल चल रही है। हम यहाँ से गए भी, हमारा टिकट भी कन्फर्म था, बट आई डोंट नो लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि हमारा टिकट किसी और को दे दिया गया। सो फाइनली हमने डिसाइड किया कि चलो आज हम फिर से ट्राई करते हैं। फाइनली टिकट मिल गया, ऑनलाइन मिल गया, ये बड़ी बात थी। सो आज हम देखने जाएंगे और आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे कि पठान कैसी मूवी है। वैसे जनरली मैंने आज तक कभी वैसे कोई वीडियो नहीं बनाई जहां पर कोई मैं मूवी का रिव्यू दे रही हूँ, बट आई थिंक पठान के लिए मैं एकदम से रेडी हूँ देखने के लिए, बिकॉज मेरा मतलब बहुत ज्यादा फेवरेट है शाहरुख खान। तो मुझे ये है कि इतने साल के बाद कोई बहुत अच्छी मूवी आई होगी, तभी इतना ज्यादा चीजें चल रही हैं। और जहां तक मैंने सुना है फर्स्ट डे का जो कलेक्शन था वो था 70 करोड़, और आई थिंक सेकेंड डे का 65 करोड़ था। तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब अभी तक ऐसा किसी भी मूवी ने फर्स्ट डे में नहीं इतना कलेक्ट किया है। दैट्स वाई मुझे ये है कि मुझे जाके देखना। एंड मुझे पता है कि मूवी का स्टोरी थोड़ा नॉर्मल होगा, बट जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है शाहरुख खान को, ऑसम है। मतलब मैंने जितनी तो वीडियोस वगैरह देखी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो फाइनली चलते हैं, मूवी देखते हैं, और मूवी का जो भी रिव्यू होगा मैं आपके साथ शेयर करूँ। वीडियो बहुत लंबी नहीं करूंगी, जस्ट मैं लास्ट आपको बताऊंगी कि बहुत ही ज्यादा हाईफाई बताई जा रही है या कैसी है, क्या है, सही बताऊंगी। फैन होकर के झूठ नहीं बोलूंगी, जो भी रहेगा सच बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। फाइनली हम घर आ चुके हैं और फाइनली बात करते हैं रिव्यू की। मूवी की स्टोरी की तो बात हम एकदम लास्ट में करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे उस इंसान की जो कि आज के शायद 4 या 5 साल बाद वापसी किया जिसने। शाहरुख खान को मैं ये बोलूंगी, ओवरऑल एक्टिंग ऑसम है, एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं है। जैसे एज यूजुअल उन्होंने पहले की मूवीज की है, वैसे ही एज यूजुअल आगे भी करते रहेंगे, मुझे उनसे पूरी उम्मीद है। बिकॉज फुल मूवी में ये बोलूंगी कि उनकी जो एक्टिंग थी वो बहुत अच्छी लगी मुझे, वो एज यूजुअल उसी के लिए तो मुझे हमेशा से पसंद है। एंड स्पेशली जो उनको एक लुक दिया गया है, आई नो कि वो ग्राफिक्स का और बहुत सारी नकली चीजें होती हैं, बट ओवरऑल जो बॉडी दिखाई गई है भाई ऑसम है। मतलब जिस एज में है वो उस एज में इतने ज्यादा हैंडसम लगना बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं सलमान खान की, एक छोटा सा मतलब रोल है, बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सलमान खान मुझे लिटरली अच्छे लगे हैं, बिकॉज ओवर एक्टिंग कोई भी नहीं हुई है तो मुझे अच्छे लगे इस बार वो भी। थर्ड बात करते हैं मूवी की स्टोरी की, जो कि सबसे लास्ट चीज है। स्टोरी बहुत कॉमन सी स्टोरी है, मुझे लगता है थोड़ा सा टाइगर से सिमिलर है स्टोरी, बहुत ज्यादा खास अंतर नहीं है। कुछ लास्ट में ट्विस्ट है थोड़ा सा, बस स्टोरी के एकदम एंड में थोड़ा सा है डिफरेंस, और वो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा। बाकी ओवरऑल स्टोरी बहुत नॉर्मल है, बट ओवरऑल मतलब मैं बोलूंगी कि जो है शाहरुख खान की वजह से पूरी मूवी हिट लग रही है मुझे। जिन्होंने साउथ की मूवी देखी होगी, जिन्होंने हॉलीवुड की देखी, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, तो मैं बोलूंगी भाई इतना एक्सपेक्ट मत करो। ऑब्वियसली बात है उनकी ग्राफिक्स और उनकी हर चीजें बहुत थोड़ी डिफरेंट होती है, बट ओवरऑल मैं बोलूंगी एंटरटेनिंग मूवी है, और अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हो। ऐसा कोई भी वल्गर सीन नहीं है उसमें,
और दीपिका पादुकोण को लेकर जो भी चीज कही गई है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, उससे कहीं ज्यादा वाहियात मूवीज बनती हैं और उस हिसाब से मुझे लगा बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने भी। तो ओवरऑल मूवी काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, सॉन्ग्स दोनों ही बड़े मस्त थे और वहां पे सुनने का मजा ही अलग है। एंड लास्ट के जो एकदम लास्ट मूवी का जो उन्होंने एक एक बम फोड़ा है बोल करके कुछ अपने आप को दिखाया गया है, तो बोलते हैं ना बाप बाप होता है, तो उसमें एकदम रियलिटी बोली गई है, तो अच्छा लगा मुझे वो। फिलहाल ओवरऑल मैं बोलूंगी मूवी देखिए, एंटरटेनिंग है। आप ये मत सोच के जाइएगा कि साउथ की या हॉलीवुड की मूवीज की तरीके से बहुत ही हाई फाई स्टोरी आई होगी, स्टोरी वही पुरानी है हमारी, बट एज यूजल एंटरटेनिंग है। सो यही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर रिव्यू अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो और मूवी देखने के बाद मुझे बताइएगा जरूर मैंने रिव्यू सही दिया था या नहीं दिया। सो फिर मिलती हूँ मैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।